हेलो फ्रेंड, डीपी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम चने की दाल की खिचड़ी बनाएंगे। हमने एक कढ़ाई रखी, उसमें एक चम्मच के करीब देसी घी डाला। इसमें हमने खड़े मसाले लिए, एक तेज़पत्ता, लौंग, चार लौंग, दो छोटी इलायची, एक मोटी इलायची, जीरा, काली मिर्च, और इसको हम इसमें डाल देंगे। फिर इसके अंदर अदरक, प्याज और एक हरी मिर्च डाल, इनको सबको भी भून लेना। अब इसके अंदर टमाटर डाल देना, दो टमाटर ना रख ली सकते हैं। साथ इनका नमक डाल देना। अब इसके अंदर हम भिगी हुई चने की दाल डाल देंगे। पानी हमने छान लिया है, चने की दाल ऐसे ही ला के हिला लेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। चावल धो के रखे हुए हैं, इसको हम डाल देंगे। अब इसके अंदर हम 5 कटोरी पानी डाल देंगे, 2 कटोरी चावल, 2 कटोरी चने की दाल। ये हमारा पुलाव रेडी हो गया है।